वैसे तो बहुत प्रश्नों के उत्तर दे चुका हूं मैं, बहुत कह चुका हूं,
इसकी एक्सपेक्टेशन गलत है, बस इतने ही समय में बार बार कहां तक गई, इसकी सोच गलत है, समझ गलत है, जो कुछ कहना कहो, लेकिन वास्तव में दुख का कारण नहीं, पॉइंट नोट किया जाए। तो जब दुख का कारण नहीं तो सुखी होने के लिए क्या करना है, उसे दुख का कारण मिटाना है कि नहीं मिटाना, कैसे? आत्मा में दुख का कारण नहीं और बाहर दुख का कारण, मेरे लिए दुखी है, समझे पूरा, आत्मा दुख का कारण नहीं आत्मा में, पर मैं दुख का कारण नहीं, तो हो गए भाई, और आत्मा फिर भी दुखी है, तो मैं दुख दूर करने के लिए क्या मिटाना है, दुख का कारण मिटाना कि नहीं मिटाना, कैसी उलझी पड़ी थी, ये दार्शनिक पहेली है। तीसरी बार बोल देता हूँ, आत्मा में दुख का कारण है क्या, नहीं। इस विश्व में दुख का कारण है क्या, नहीं। तो फिर आत्मा दुखी है, ये बात तो बराबर, तो दुख का कारण कहीं दूर करना है कि नहीं करना है, आप यदि इस पहेली को सुलझा लोगे संबंध ऐसा पक्के में हो जाएगा, इसका मतलब है दुख का कारण कहीं नहीं है, तो सच्चे स्वरूप को नहीं समझते, ये दुख का कारण है, तो सच्चा स्वरूप समझते आता ही दुख का कारण दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि दुख का कारण तो बोलो नहीं, दुख का कारण तो विश्व में कहीं था ही नहीं, फिर से बोल देता हूँ, पांच ही बार बोल रहा हूँ, अगर मैंने भी नहीं, आत्मा में दुख का कारण नहीं है, आत्मा में दुख का कारण नहीं है, और जगत में भी दुख का कारण नहीं है, ये तो बहुत सिद्ध कर चुके हैं आत्मा, पर आत्मा दुखी है, तो फिर दुख का कारण का नाश करना कि नहीं करना, तो आचार्य कहते नहीं, दुख का कारण है नहीं ना, तो उसका नाश क्या करना चाहिए, दुख का कारण क्या है, उत्तर भूल आपको, भूल आपको, बस तो अपने को समझते थे दुख का कारण मिट गया, एक कोई द्रव्य नहीं मिटाना है, कोई गुण नहीं मिटाना है, कोई पर्याय नहीं मिटाना है, कोई स्त्री पुत्रादि का नाश नहीं करना है, विश्व में कोई शत्रु है ही नहीं इसका नाश करना है, सब है छह अलग बोलो, भूल आपको भूल, अब मैं सरल सरल दृष्टांत देता हूँ, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज छोड़ दिया, टेक्निकल लैंग्वेज याद नहीं रह पाई, थोड़ी परेशानी आ जाती है, सर बोलो भाई, मेरे पास एक करोड़ का हीरा है और मैं उसे कांच मानता हूँ, तो मेरे दुख का कारण कहाँ है, इसमें है कि मेरे, आप बोलिए, एक करोड़ का हीरा है और मैं भिखारी बना घूम रहा हूँ, कौन भिखारी बना रहा है मुझे, हीरा या मैं, सोचो यार, सोचो सही उत्तर दे, वो मजा आया, भूल के कारण, भूल के कारण, हाँ भूल के मानने क्या नहीं मानता, मैं भी दुख का कारण नहीं हूँ, हीरा भी दुख का कारण नहीं है, मैं हीरा को कांच मानता हूँ, हीरा का स्वरूप समझो तत्काल मेरा दुख दूर हो जाए, अब बोलो दुख का कारण दूर करने के लिए मात्र तत्व अभ्यास चाहिए, फिर से क्या बोला, दुख का कारण दूर करने के लिए अभी बोला था ना तत्व अभ्यास करना चाहिए, क्यों कि दुख का कारण कहीं है ही नहीं, अब एक भाई को पूछना है कि दुख का कारण है, तो हाँ बोलो भाई क्या दुख का कारण, हाँ तो गलत मानना, वो तो मैं ही कह रहा हूँ, सच्चा मानने के लिए क्या करना है, बस सब सोचो, बस सब समझते थे तो दूर हो गए, मतलब दुख का कारण कोई मॉर्टल इमोर्टल थिंग नहीं है मार्केट में बाहर में जिसका अभाव कर दिया जाए, हम अभी सुखी होने के नाम पर गलतियां करते हैं, एक गलती करते हैं, समझो जरा थोड़ा, सुख के नाम पर पहली गलती तो ये करते हैं कि हम सामग्री को जोड़ते हैं, फिर हमारे साधु भगवान सब निषेध करते हैं उसका, बोलिंग में दुख का कारण है, फला दुख का कारण है, पत्नी बच्ची मकान दुख का कारण है, छोड़ने में सुख का कारण मान लिया, पहले जोड़ने में सुख मानते थे, अब छोड़ने में सुख मानते, मिसिंग कहाँ हो गई, मुझे सच्चा स्वरूप समझना था वो फिर रुक गया, मुझे सच्चा स्वरूप समझना था वो फिर रह गई गाड़ी, ये त्याग करके संतुष्ट हो गया, देखा मैंने इतना पैसा त्याग किया, मैं किसानों की छोड़ दी, हाँ कोई नहीं छोड़ सकता आजकल, तो मैंने छोड़ दिया, तो कुछ जोड़ने में संतुष्ट,
कुछ छोड़ने में क्षमता है, समझने के बाद खत्म ही हो गई। समझ में आया कि नहीं, मोक्ष ज्यादा सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा? मैं तो सीधे शुरू हो गया, जोड़ा ही नहीं किसी से। मैं जोड़ता हूँ आपको, अभी फिर से बोलता हूँ, मुझे मालूम है समझ में नहीं आया। अच्छी तरह समझो, ठीक मैंने पांच छह बार बोली, मैं फिर बोल रहा हूँ, दुख का कारण तेरा अज्ञान है, इसलिए अज्ञान दूर करने के लिए वस्तु स्वरूप को समझना ही मोक्ष का कारण है। मानव भगवान की शिक्षाओं में लिखा है, भ्रम जने दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। क्या बोला हमने? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। हम क्या गड़बड़ करते हैं कि भ्रम मिटाने का उपाय नहीं करते, हमें जिस पर शंका हो जाती है ना उसे मिटाने लगती है। आपने देखा होगा अखबार में, पत्नी पर चरित्र लूज होने की शंका होने से उसे मर्डर करते हैं, फिर भले सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, खुद चेयर पे चले गए, बच्चे बर्बाद हुए, कुछ भी हो गए, क्योंकि तो शंका मिटाने का उपाय करना। अंजना की सास क्या करती थी? अंजना की सास ने क्या करती थी? उसने भ्रम हटाने का उपाय नहीं दूर किया, भ्रम हटाने का उपाय नहीं किया, बहु पहली शंका करी और भगा दिया, बिगड़ जाओ छोड़ जाओ उसको, और फिर माता पिता ने भी चल बिगड़ जाओ हमें नहीं। जबकि मेरे से पूछे तो बड़ा सरल उपाय था, बहुत सरल उपाय, लेकिन ध्यान रखना सभी लोग, आपको उसमें तीव्र क्रोध में सच्चा उपाय नहीं सूझता, इसे कभी इमोशनल में निर्णय नहीं लेना चाहिए, और कोर्ट में भी और थाने में भी पुलिस स्टेशन में भी जब इमोशनल होता है ना तो उसका आंसर सही नहीं माना जाता। बस आपने देखा होगा उसमें सिग्नेचर कराते हैं उसमें कि मैं पूर्ण होश आवाज हूं, मैं समझ करके मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने समझ लिया, फिर वो साइन कराते हैं, वो उसने रिपोर्ट लिखवाई तो फिर एक बार पढ़ा देते, पढ़ ले तू होश आवाज में लिखवा रहे थे तू तो साइन कर कि मैं पूरे होश आवाज में लिख रहा हूँ। मतलब इमोशनल की वहां भी ठीक नहीं, जैसे यहाँ पर भी जब आपका आक्रोश हो तो आप निर्णय नहीं कर सकते। अन्य आपकी सास को एकदम गुस्सा आया, तो क्या उपाय करना चाहिए था अंजना की सास को? बहुत सिंपल उपाय था, उनके तो हवाई जहाज की सेवा थी ना, विद्याधर हवाई मार्ग की व्यवस्था थी, दूर चला जाता था एक दिन में दो दिन में फटाफट चला जाता, वो उसे मैसेज कर देते बेटा तुम तो चले गए, यहाँ जैसे बात है बोलो क्या बात है, पूछ बात नहीं थी, मैसेज आ जाता वहां से, ऐसे मैसेज तो नहीं आ सकता था, मैसेज तो आ ही सकता था, लेटर आ जाता लेकिन बात आ जाती, मम्मी चिंता न करो बात सही है, एक सेकंड में काम भी पड़ जाता, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मतलब ये मिस्टेक विद्या ऐसी करता है। आत्मा को दुख का कारण या तो पल को मानता है या सुख का कारण भी पल को मानता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, ये सुख के पॉइंट पकड़ ना, सुख के नाम पर सामग्री इकट्ठी करता है। आप पैसा क्यों कमाना चाह रहे हो, पत्नी क्यों ला रहे हो, बच्चे क्यों, मकान वकान क्यों, गाड़ी बंगला पार्क आए के लिए, सुखी होने के लिए। अभी जैसे आप सत्संगति में आए तो 90% जैन समाज इसलिए सत्संगति में नहीं आते, मैं मालूम आपको छोड़ा दो, वो तो सुख का कारण मान के बैठा ना, इसलिए छोड़ना नहीं चाहता, तो संगति में आने से डरता है। अब जैसे संगति में आए तो उसने सही नहीं सुन लिया, इन सब दुख है छोड़ दिया, छोड़ने में ताकत लगाई, और आज आपको कहते भी त्याग के तो देखो मालूम पड़ जाएगी, त्याग हो तो एक बार जब प्रिय भोजन छोड़ोगे तो खबर पड़ जाएगी, तुम्हें आज फिर करोगे तो फला करोगे तो, मैंने उसको ऐसा लगता है छोड़ना बड़ी तकलीफ है, कपड़े छोड़ के तो देखो एक बार, ठंड में बैठ के तो देखो, तो मुझे कहने बता ये समाज पूरा का पूरा जोड़ने में और छोड़ने में लग गया। लेकिन अब मैं फिर से पूछता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना, सेट हो गए आप लोग भी, दृष्टांत दे रहा हूँ आपको फिर से, बताओ एक करोड़ का हीरा आप उसे कांच मानते हो और भीख मांग रहे हो, बना भिखारी निपट खजान, तुम्हारी भीख मांगने में कौन कारण है, हीरा कारण है या तुम कारण हो
या हीरे की सच्ची समझ नहीं है, कांच मानते मन उल्टी मान्यता, ये दुख का कारण है। आप बताओ अमीर होने के लिए पैसा कमाना है, अमीर होने के लिए क्या करना है, दीनता मिटाने के लिए क्या करना है, पावरता मिटाने के लिए क्या करना है, मंत्र जपना है, कोई व्रत उपवास करना है, कोई तीर्थ यात्रा करना है, या फुल्ली फोकस करके मैं केवल वस्तु को समझना है, ये हीरा है। मैं जानता हूँ इतना बोलने वालों भी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको भी जानता हूँ, और मैं समझा दूंगा तो आप नाराज भी हो जाओगे, मैं भी हिम्मत नहीं कर पाता हूँ कहने की, लेकिन मैं कुछ कह रहा हूँ आप इसी में समझ लो। अमीर बनने के लिए ना तो धन कमाना है, ना माला पहननी है, ना मंदिर जाना है, ना पूजा पाठ करना है, कुछ नथिंग टू डू, ओनली ये भी काम करना है कि हीरे को हीरा कर दो। ऐसे मैंने कह दिया समझ जाओ, क्योंकि मैं आप बोलूंगा तो आप नाराज हैं आपके साथ, और मैं भी नहीं चाहता कि आप ऐसा मैंने गलत समझे, समझते ना थोड़ा सा नहीं समझेंगे आप, जब मैं कहता हूँ लेकिन उल्टा नहीं समझना, सीधा समझना चाहता। देखो हम मोक्ष मार्ग को उसी रूप में जानते हैं, व्रत उपवासी संयम जप तप दान तीर्थ यात्रा, माने हम इसी को इसी में समझते हैं, लेकिन आपको बताओ ना हीरे को हीरा समझने के लिए व्रत करने की क्या औचित्यता है, सीर संयम की क्या औचित्यता, उल्टा नहीं पकड़ना। देखो अभी चरणार्थियों में है वो मुझे भी पता, मैं खुद पालता हूँ, मैं भी जरा सा भी केयरलेस नहीं होता उसमें, होना पसंद करता हूँ, चरणार्थियों की जगह चरणार्थी हो गए, लेकिन तुम चरणार्थियों के बाद इसको तो समझो। जैसे भी बहुत सरल दृष्टांत, आपका 3 साल का बच्चा है उसे डॉक्टर बनाने का एक उपाय बताता हूँ, सरल बता दू, बहुत सरल उपाय है डॉक्टर बनाने, एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, और बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजना पड़ेगा, आपको कॉलेज भी नहीं भेजना पड़ेगा, केवल हर 8 और 14 पास करना पास। अब आप इस किसको समझ रही है, नहीं आएगी किसी को समझ में कि पंडित जी इसमें क्या इंटरनेट लिंक है, समझ आ रहे टेक्निकल, बिहार में हम तो पास करिए हम ना, और बच्चा डॉक्टर बन जाएगा और स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। देखो नहीं समझ आती मेरी बात, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई ही जरूरी है, ऐसे सम्यक दर्शन के लिए स्वाध्याय ही जरूरी है, इसलिए स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय। अब सोचो पूरी जैन समाज को कितना स्वाध्याय करना चाहिए, करवाना चाहिए, स्वाध्याय की भवन बनानी चाहिए, स्वाध्याय की बुक्स छपानी चाहिए, वो परस्पर में गोष्ठियां करनी चाहिए, विश्व सबसे बड़ा तप है। मैं जानता हूँ ये कहना बहुत सरल है, इमोशनल करने की जरूरत है, एक बार इमोशनल कर दो मंदिर जाना चाहिए, तो आज के बाद मंदिर जाएंगे चले भी जाओ, मैं कह दूंगी 8 और 24 कर दो, 8 और 24 कर लो, करें कर ही रहे लोग बहुत कर रहे करते हैं, मैं उसका नाराज नहीं हूं, मैंने सर मुझे कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन दुख होता है कि सब में दर्शन का काम रह जाता है। इसके लिए लिखा है छह डालर आपकी हमारी चर्या तो छोड़ो, मुनियों के लिए लिखा है, मुनियों की चर्या के नाम पे लिखा है, अष्ट पाव जी का ट्रांसलेशन है उसमें, मुनि वत धारे अनंत वान दीपक उपजायो, मुनि व्रत धारे अनंत वान दीपक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख, हीरे को हीरे सब हीरा समझे बिना तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होगी, तुम कब तक भीख मांगोगे, कितना पैसा जोड़ोगे गुल्लक में, कब तक तुम करोड़पति बनोगे, कितनी देर लगेगी करोड़पति बनने में, बोलो सही समझ, इतना सारा का समय कर सकता हूँ, जिस समय को आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, आत्म की एकाग्रता लख छोड़ खो दी, इतना सरल का मैंने इतने दृष्टांत दिया ना, मैं दे देता हूँ कोई खास बात नहीं, 100 रुपए दे देता हूँ, काफी था लेकिन दृष्टांत दिया, जैनी के बच्चे का किडनैप हो गया था, याद है ना हरिजन ने पाला था, याद है जैनी के बच्चे को हरिजन ने पाला, अब जैन बनाने के लिए क्या करना है, बोला जैनी का बच्चा 3 साल इतना सा था छोटा सा 45 दिन का, तभी किडनैप करके ले गए, हरिजन बना दिया, हरिजन बना के मतलब हरिजन ने पाला और गटर साफ करने की नौकरी कराई, नगर निगम
चेन्नई गई थी, कतन से वो बड़ा खुश और पूरे मोहल्ले का हीरो नंबर वन, क्योंकि तो वो नगर सेठ का लड़का, बड़ा सुंदर स्मार्ट दमखम वाला, पूरे मोहल्ले में इतने सुंदर कोई नहीं, वो अपने को बड़ा भाग समझता था। वो जन्म में मैंने जरूर फला अम्मा की पूजा की हो, और फला अम्मा बड़ी खुश हुई है इसलिए मुझे इतना बढ़िया सुंदर रूप, और लड़कियां भी मरती थी उसके ऊपर, सगाई भी हो गई, अफेयर भी चलता है। अब एक दिन, हम एक दिन की पिक्चर है ना, एक दिन की पिक्चर, अब मम्मी ने उसे पहचान ली, उसकी सेठानी ने पहचान ली कि मेरा बेटा है। अब मुझे तुमसे पूछना है, बताओ नगर सेठ बनने के लिए उसे क्या करना है, जमेरी बनने के लिए, जैन बनने के लिए उसे क्या करना है, बोलो बोलो, समझना आप बोलो क्या करना है, आप बताओ, मुझे नहीं पता क्या करना है, नाम बदलना है, कुछ कोई फीस जमा करनी है, व्रत उपवास करने है, तपस्या करनी है, क्या करना है, बुलाए स्वयं आत्मा को, कौन ने बुलाया, स्वयं बुलाए स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं है, इतनी बात समझ लो, इसलिए आपको कहते बार-बार आपको कुछ हुआ नहीं है, बढ़िया चलो तो अब फिर से तो पूरा तीन नंबर शौंद और सुंदर है, सुंदर है, आपने देखा हो, मैं पढ़ा चुका वैसे तो बहुत, आपको ये दृष्टांत नहीं देने चाहिए, फिर भी नए नए चेहरे दिखाई देते तो कुछ दृष्टांत देने की समय नहीं आ रही, फिर दृष्टांत दे, आपने देखा कोई ऐसी शादी देखी है जिसमें सब खुश हो गए, आपकी शादी में बहुत अच्छी मिठाई है, बड़ी सारा काम बढ़िया बढ़िया हुआ, बहुत ही बढ़िया हुआ, इसके बाद भी कोई ना कोई तो ऐसा दुखी मिल ही जाएगा, काहे के बल पर दुखी हो रहे हो, इतनी बढ़िया लाइट डेकोरेशन हुआ, इतना अच्छा म्यूजिक बज रहा है, इतना अच्छा खाना हो रहा है, इतनी अच्छी सब कुछ हो रहा है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की दोनों सब खुश सब खुश, लेकिन कोई ना कोई जरूर आपको ऐसा मिलेगा, हमें तो पूछो हमें तो कोई पूछा ही नहीं, जैसे बहुत सारे मिल जाएंगे हमें पूछा ही नहीं, हम कैसे पूछना पड़ता है, ये बढ़िया आज तक मेरी समस्या सॉल्व नहीं हुई, तो ट्रस्ट मंडल जितने होंगे दुनिया में हमें एक ही चल रहा, हमें पूछना नहीं, कैसे पूछा जाए तुमसे, ये तो बता हमारा सम्मान भी तो कोई चीज है, बस फोन कर दिया और आ जाए, ऐसा होता है कहीं, हमारे घर आना चाहिए, तो किसी को ऐसा लगे हमें घर जाओ, कैसे नहीं आएंगे लाला जी उपाजी, तो गए उनके घर पैरिस में, चलो बता दो चलो आ गए, क्यों नहीं आ रहे, खाली हाथ आ रहे, मिठाई तक नहीं लाए, बड़ी मुश्किल है, तो फिर किसी ने फिर इशारा किया, भैया तुम खा क्या चले गए, तुम सुना नहीं आती, इतना नहीं जानते शादी की, अगर निमंत्रण देने जाते तो कुछ मिठाई ले जाओ, एक दो मिठाई पैक की फटाफट पड़ो, लड्डू खाओ, चलिए अब चलो, उनसे भगे के हाँ तुम चलो हमारे, ऐसे मुहूर्त में अरे हल्दी की दो गांठें लाई जाती है, समझ इतना नहीं समझते आजकल के लोग, हल्दी और सुपारी नेल होता है वो, जीव अपने स्वभाव से दुखी है, ठीक है ना, मैं इतना सिद्धांत देकर के, अब इधर चलो आप, एक घर घर की प्रॉब्लम हो सकती है, पत्नी कितनी अच्छा कर ले, लेकिन पति को खुश करना बड़ा मुश्किल काम है, मैंने दृष्टांत दो चेहरे के लिए थे ही नहीं, ऐसे पति भी कह सकता है, ऐसे सासू भी कह सकती है, हर आदमी कह सकता है, अब ऐसे आत्मा में आनंद सबका सागर है,
अनंत गुण हैं, शक्तियां हैं, और बाहर देखो तो चारों तरफ सुंदर है। अभी ये नहीं समझा दुख हो कहां से रहा है, दुख हो कहां से रहा है, ये नहीं समझा। इसके लिए बाबू भाई जी ऐसे दृष्टांत देते थे कि एक आदमी बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास गया, बहुत अच्छे डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसे खुजा की बीमारी थी, खुजली की बीमारी, तो डॉक्टर के पास गया, बहुत अच्छे डॉक्टर के पास, तो उस डॉक्टर ने उसे दो तरह की दवाई थी, कुछ खाने की और कुछ लगाने की, तो घर गया और उसने लगाने वाली खा ली थी। जबकि उसमें लिखा रहता है एक्सटर्नल यूज ओनली है, और एक्सटर्नल यूज ओनली, वो उसे खा लिया और जो खाने वाली थी उसे लगा ली, तो उसको तो डबल ट्रिपल हो गई, डबल ट्रिपल हो गई, तो बोले डॉक्टर के साथ हमारी किस्मत खराब हो गई, डॉक्टर खराब है, यानी कैसी दवाई पकड़ा ली, हम तो ट्रिपल बीमार हो गए। तो डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर साहब देखो तकलीफ, देखो आपकी दवाई की समझ खराब, तो बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो गया, तुमने जी क्या लगाया तुमने, वहां मैंने ट्यूब दी थी वो गई, अब वो टेस्ट ही थी। वो खाने भी नहीं थे, ऐसे यहाँ पर हो रहा है, जब हमारी ताकत लगना चाहिए आत्मा को समझने में वहां नहीं लगाते। मैं सच कहता हूँ आप क्षमा करना, कोई उल्टा नहीं पकड़ना, 90% जैन समाज पहले तो उसे कोई मतलब नहीं जैन धर्म से, एक बड़े दुख की बात है कि अनंत जन्मों के फल में इतना अच्छा जैन शासन मिला, उसे 90% को इससे कोई लेना देना नहीं, अब बचे जो 10%, उनमें से भी 99% लोग ऐसे हैं कि यदि आप उनको पूजा में इन्वॉल्व कर दो, पाठ में इन्वॉल्व कर दो, मैं कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दो, तो वो फटाफट कर देंगे, उसमें जुड़ जाएंगे, सब पूरा एक्टिवेट होंगे वहां, अच्छी तरह से एक्टिविटी करेंगे। लेकिन अनंत व भाव रेयर कोई भाग्यशाली होगा ये शुद्धात्मा की चर्चा करें, समझ में आया सबको। मोक्ष मार्ग का एकमात्र कारण सच्ची समझ है, और सच्ची समझ स्वाध्याय के बिना होती नहीं है, इसलिए स्वाध्याय गाथा लिखी है, मोह क्षय करने का क्या अवान्तर उपाय, दूसरा उपाय क्या बोलते हैं, उपायांतर, उपायांतर मैंने दूसरा उपाय बता दिया, उपायांतर मैंने दूसरा उपाय प्रवचन सारथी भी लिखा है, तो क्या बताया स्वाध्याय, समझ गए सभी को, स्वाध्याय जरूर करना होगा। चलो आगे चल, चलो मैंने बोला अभी आगे, एकत्र से सुंदरता को प्राप्त है, क्योंकि अभी नया शब्द आ रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे, एक नया वर्ड आ गया आपके लिए सर्व संकर, ये शिव संकर वाला संकर नहीं है, भोले संकर वाला संकर नहीं है, यह सर्व संकर दोष आदि आ जाएंगे, दोष आदि कहकर मैंने अनेक को दोष आ जाएंगे, तो आदि में तो अनेक है, लेकिन मैं उसको रूप सिद्ध भी कर सकता हूँ, टाइम लगेगा तो मैं अभी नहीं करता उसके लिए, लेकिन संकर जरूर बता देता हूँ, संकर समझते हैं, संकर का मतलब मिलावट कर देना, मिल जाना, मिल जाना, जैसे कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, एक दृष्टांत दे आपको, सोचो कभी ऐसा हो जाए तो क्या होगा, कि हमने 1 किलो सोने में 1 किलो पीतल मिलाया और 2 किलो सोना बन गया, तो फिर क्या होगा सोचो, मान लीजिए तो मजी आ जाएगा, तो मजी आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, स्रोत क्या करोगे, कि जितना पीतल होगा वो हम पूरा सोने में मिक्स कर देंगे, क्यों, जितना जितना सोने में हम पीतल मिक्स कर देंगे वो सब कर्पट कायम हो जाएगा सोने में, तो इसका मतलब है कि फिर हिंदुस्तान में पीतल का एक कण नहीं मिलेगा, क्यों, वो सारा का सारा पीतल सोने में कर्पट हो जाएगा, समझ आ गया, इसका नाम है सर्व संकर आदि दोष उत्पन्न हो जाएंगे, सब मिक्स हो जाएंगे, अब अभी तो तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तेरी सारा पीतल सोना बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है आपको, बोलो जल्दी, नहीं ना कोई प्रॉब्लम, लोग अब उल्टा करते हैं, मैं सोना पीतल में मिलकर पीतल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है ना, अब बोला जे है वो प्रॉब्लम, अरे नहीं शरीर आत्मा बन जाए या आत्मा शरीर बन जाए तो कितनी प्रॉब्लम आई, सारी सारी आत्मा उद्गल बन जाए तो फिर आत्मा का अभाव ही हो जाएगा, सर्व संकर आदि दोष होने का मतलब फिर आत्मा का अभाव हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है,
सुंदर व्यवस्था समझाने के लिए थोड़ा ऐसे सांप्रदायिक दृष्टान दे रहा हूँ। सांप्रदायिक यदि आप इतिहास पढ़ेंगे ना, ये इतिहास इतिहास है अपना बहुत बड़ा, लेकिन यदि लौकिक इतिहास ही पढ़े आप, नामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ संस्कृति के चार अध्याय, एक बुक है इतनी मोटी, संस्कृति के चार अध्याय, बड़ी प्यारी किताब है, पढ़ने लायक है। जो भी थोड़े से रिसर्च होल्ड स्कॉलर जो होते हैं ना, उनको पढ़ना चाहिए। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हम जिनके साथ रहते हैं ना, उनमें संकर दोष आ जाता है। संकर दोष मतलब आप नहीं समझेंगे ना, तो जैसे हम उनकी उनके ट्रेडिशन को अपनाते चले जाते हैं। जैसे हिंदुओं के साथ रहते ना, तो हिंदुओं के साथ खेलते उठते बैठते हम भी दुर्गा जी मनाने लगते हैं, हम भी गणेश जी मनाने लगते हैं, तो उनके व्रत उपवास करने लगते हैं। अभी सुरेश जी आए, सुरेश जी सुनारे थे आश्रम में, इनके ग्रैंड फादर जिस गांव में रहते थे वहां ये भी जेल का परिवार, बाकी सब गांव के रहने वाले थे, तो बाकी सब ब्राह्मण थे सारे, उनके अन्य जाति के लोग, इनका अकेला परिवार। तो जब इनके ग्रैंड फादर के फादर एक्सपायर हो गए, इन्होंने मना कर दिया, हमसे मुंडाते नहीं, हमारे जेलों में सिर नहीं मुंडाते हमको, ठीक है नहीं मुंडाए। तो गांव में फतवा जारी हो गया ब्राह्मणों का, इन्हें कुएं पर पानी नहीं भरने दिया जाता, इन्हें कुएं पर पानी नहीं भरने दिया जाए, ये अछूत है, सिर नहीं मुंडवा रहे, अछूत है, आपको परेशानी। अब पूरा गांव एक तरफ और एक परिवार एक तरफ, आपके कारण से मुंडवाना पड़ा। ये कहना था शंकर, मैंने हम उनकी ट्रेडिशन अपना दी जाती है, पता भी नहीं लगता उनकी ट्रेडिशन। यदि मैं इसकी व्याख्या करूँ तो आप बहुत नाराज हो जाएंगे, इसे मैं नहीं करूंगा। आज हमारे जैन धर्म में भी बहुत ट्रेडिशन आ गए दूसरों के, यदि और मैं खराब शब्दों में कहूँ तो तंत्र मंत्र तक आ गया, तांत्रिक बात तक आ गया अपने यहाँ, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है आज की तारीख में। लेकिन आप स्टडी करके देखिए, मैं डर तो लगता फिर भी कह रहा हूँ, चाहे तो निकाल देना आप, अगले साल मत बुलाना मुझे और क्या। लेकिन मेरी इच्छा, मैंने स्टडी करने के बाद बोल रहा हूँ, इसलिए मैं प्रॉपरली कह रहा हूँ। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं ये सब चीजें। 48 काव्य है भक्ता मर के, नंबरों में 44 के थे, कोई खास बात नहीं है। इन काव्यों में अद्भुत 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 अध्यात्म भरा हुआ है, अद्भुत अमृत भरा पड़ा है, सरल शब्दों में अद्भुत व्याख्या भरी हुई है। मुझे तो ऐसी इच्छा होती है कभी मैं आऊंगा अगली बार में आपको भक्तावर पढ़ाऊं, और उसमें से अध्यात्म निकाल के दिखाऊं, बिल्कुल समय सारा है उसके अंदर, इतना सुंदर है। लेकिन लोग भी दृष्टि वहां तो नहीं गई, तो उन्होंने 48 काव्य या 44 काव्यों में वो क्या क्या महिमा गा दी, इसको पढ़ने से पूर्ण कोटोदर रोग दूर हो जाता है। इसी नंबर का पढ़े जाओ, पढ़े जाओ, पढ़े जाओ, पढ़े जाओ, और इस नंबर को पढ़ने से पास हो जाते, पढ़े जाओ, पढ़े जाओ, पढ़े जाओ, और इसके पढ़ने से बिजनेस अच्छा चलता है, वो पढ़े जाओ, पढ़े जाओ, एक ही मंत्र पढ़ता है, बाकी शैतानी से नफरत, मतलब क्या निकला। एक ही काव्य को जब भी प्रॉब्लम आए, एक ही काव्य जो भी उसका नंबर हो मुझे पता नहीं, ये तांत्रिकों में से आई ही चीज है, हमारे नहीं है चीज, ये तंत्र मंत्रवाद का असर है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जाना भी नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ रिसर्च करने लायक है। जैसे जैन ग्रंथ परीक्षा है, ग्रंथ परीक्षा आई है, ऐसे ग्रंथों की परीक्षा करने लायक है कि असली मूल महावीर का मार्ग क्या है, तो मिलावट क्या है। श्वेतांबर समाज ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, बेचर दास भाई ने, मोदी या बेचर दास भाई है नाम, उन्होंने साहित्य में विकार दोषी दोषी बेचर भाई दोषी, और मेरा 125 साल पुरानी पुस्तक है, 125 साल पुरानी पढ़ने लायक साहित्य में विकार, मतलब उन्हें पीड़ित होकर लिखी है उन्होंने, साहित्य में विकार देखा उसकी बड़ी पीड़ा व्यक्त की। जुगल किशोर जी मुख्तार ने दिगंबर ग्रंथों में जो देखा मिलावट तो उसकी पीड़ा व्यक्त की है, पढ़ने लायक सबके लिए। मैं तो अभी पता नहीं, मेरा मन करता है कि अपने खुल के इसमें चर्चा होनी चाहिए। मैं आप सबसे पूछता हूँ, हम बहुत कहते हैं कि हमें जैनों का ईसाईकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन ईसाईकरण हो रहा है, कपड़ों से तो हो ही रहा है, खान पान से, नाम से, हलास से,
मतलब हम अपने बच्चों के नाम यदि देसी रख लेते हैं धर्म आधारित तो हमको थोड़ा पैसा लगता है। और ये नीचे पिंकी, पिंकी क्या होता है, पिंकी सुना था पिंकी भी नाम, विदेशों में टॉमी कुत्ते का नाम रखते हैं, अपने टॉमी विद्या है, वहां मेरे वो कायदा के नाम रखते हो अपने विद्या है। खैर उसकी बात भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं सारी बात कह रहा हूं। सटरस 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 तो समझते हैं छह रस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छह रस होते फेमस है छह रस होते। अब लेकिन ईसाईकरण कैसे हो गया वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ईसाइयों में मतलब कोई हमें इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी के और कैलेंडर में भी एक वीक में सात दिन होते, एक वीक में सात, तो सटरस को एक और मिलाकर सात कर दिए और सात दिन चलने लगे। रविवार के दिन नमक का फला दिन हरी का त्याग, फला दिन गुड़ का त्याग, फला दिन तो सात रस आए, सात आ ही नहीं सकते, हमारे साथ होते ही नहीं ना दिन, हमारे तो एक अब से लेकर पूनम और फिर वो एक अब से लेकर के अमा, बस हमारे सात दिन का पीक होता कब है, हो गया और चल रही है गाड़ी, अभी मैं मना करूंगा तो नाराज हो जाएगी कि नहीं तो फिर आप क्या चाहते हो, नहीं करते खूब करो, मैं करता हूँ असली वाला है, एक सोचने के लिए मौका दे रहा हूँ, सोच रहे एकदम सरलतम था मार्ग और सबके लिए खुला था, प्राणी मात्र के लिए खुला था, लेकिन इतना बैरिकेड खड़े हो गए कि अब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, इतना बैरिकेड हो गई हम ही अपने आप को नहीं पढ़ा पा रहे। शांति सोचे शांति से, ओहो सबसे ज्यादा लॉस होता है स्वाध्याय का, और स्वाध्याय बर्फ तक है जरूर करने लाएगा, नहीं सब कहेगा कठिन हुआ कि सरल हुआ जी, यदि मैं कहती हूँ ना उपवास करेंगे तो मोक्ष नहीं होगा, आप में से कितने लोग रो पड़ेंगे, पंडित जी हमारा तो जीवन बेकार चला गया, हम उपवास तो नहीं कर सकते, भैया जो एक करोड़ का दान देगा उसे मोक्ष होगा, लोग रो पड़ेंगे हमारे पास पैसा नहीं है हम क्या करें। इसलिए सुनो केवल वस्तु के स्वरूप समझने का नाम मोक्ष मार्ग, दान का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, उपवास का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, नहीं करना चाहिए, नहीं कह रहा हूँ, यदि आपको प्रश्न होगा तो पूछ लेना, मैं उसे भी प्रूव करूंगा, बहुत अच्छे से प्रूव करूंगा, व्रत उपवास नियम संयम जब तब है, लेकिन जैसे तुम समझ रहे हो वैसे नहीं है, समझ में आया नहीं, समझ में आया ना, एक दृष्टान दे बेकार संख्या लेकर जाओगे, एक दृष्टान दे खोटा दृष्टान है, जल्दी समझ में आया, चलो अच्छा अच्छा दे देता हूँ, छोटा नहीं देता बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है ना 12-14 साल का बच्चा है, और उसने पापा से कहा था पापा मैं पास हो जाऊंगा ना फर्स्ट रैंक तो आप बाइक ला के दोगे, बाइक चेन्नई से बाइक कह रहे हो, हमारे गांव होता तो बाइसाइकिल कहते थे, साइकिल खुला हो गया फिर उसे बाइक हुआ, तो पापा ने बोला बेटे तू फर्स्ट रैंक लाएगा तो बाइक ले जाएगी, और फर्स्ट रैंक आ गया तो वो पापा बाइक बेटे अगले महीने नहीं पहले बाइक, मम्मी रोटी तो खा नहीं खाना, कपड़े तो नहीं पहनना, आपको समझ आया ना, फिर एक दिन दो दिन तीन दिन बड़ा लोग बहुत जबरदस्ती कैसे खिला पाए उसको, न भरपेट खाए न भरपेट खेले न बात करे, उदास उदास रोने लगे, ये दस्तार की बात समझ गए, जब भी पापा से बात हो तो पापा से रूठ जाए, बात नहीं करे, चुप चुप बैठा रहे बिल्कुल मौनी, मैंने उसकी रंगत समझ लिया, उसको बाइक नहीं मिली तब तक ना उसको बाइक का ध्यान छूटा, ये काल चिंता निरोध ध्यान न किसी से खेलने में मन लग रहा, निवृत्ति खाने में मन नहीं लग रहा, रस पर इत्यादि जैसे जैसे कुछ खिलाओ थोड़ा सा खाता है और उनो तरी कर लिए, नहीं खाना आज तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ चाहे मन नहीं जाते मत जाऊंगा कहीं, और बस अब तो समझ गए मैं क्या करता हूँ, तो फिर पापा ने उसको एक बाइक ला कर अच्छा अब वो एंजॉय करने लगे, ये दृष्टा समझ आई आपको, ऐसे ही शुद्धात्मा को पाए बिना उनो तरी होती, उनो तरी से शुद्धात्मा नहीं मिलता,
तो पड़ोसी का बच्चा भी ऐसे करने लगा जैसे ये कर रहा था, पापा भाई लाओ घूम नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं। अच्छा मैं पढ़ता तो है भाई सही तो दोनों बच्चे मिले क्यों बाइक कैसे मिली अब बताओ क्या उपाय बताएगा बाइक कैसे मिली। वो बाइक के लिए जो अंदर से उसका स्पष्ट ज्ञान था, फोकस था, एकाग्रता थी, जो उसकी लागनी जिसको बोलते थे लागनी थी, उसकी वजह से वो सब काम हुआ था। और जिसके पास तो अंदर का तो कुछ था ही नहीं, इसके ऊपर 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 का था, तू रूठता था हम भी रूठ जा रहे, तू रोता था हम भी रो रहे, तो यही तो बाइक आ गई हमारी क्यों नहीं आई। अब समझ गए कुछ, मैं समझ गए बहुत कुछ कह दिया मैंने। ऐसे ही जो सम्यक दर्शन नहीं पाते, शुद्धात्मा को नहीं जानते, वो देखा देखी व्रत उपवास करते पड़ोसी के बच्चे की तरह, दूसरों को देख देख कर व्रत उपवास दान बच्चों जो करना तीर्थ यात्रा जब तब सब करते हैं, लेकिन उनकी जो फोकस होना चाहिए वो नहीं है। जब इस बच्चे का फोकस है, आपने बोला था फर्स्ट रैंक, तो मैं फर्स्ट रैंक आ गया। ऐसे आपने बोला था शुद्धात्मा को जानो, मैंने जान लिया। सनम अशुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए जब तक पूर्ण प्राप्ति नहीं होती तब तक उसका मन नहीं लगता, इसलिए उसके उपवास भी होता है, मनोदरय भी होती है, एकाग्र मेडिटेशन भी होता है, फोकस होता है, सब कुछ होता है। अब बोलो भाई शास्त्र में लिखा वो सही लिखा है कि झूठा लिखा है? सही लिखा है, लेकिन इधर से सही लिखा है उधर से नहीं। क्या बोले हमने? इधर से सही लिखा है उधर से नहीं। हाँ अरे अब इसमें लंबा समझा शॉर्ट में समझ, शॉर्ट में बड़ा कठिन था, नाराज नहीं कर। वैसे नाराज का अर्थ बहुत अच्छा होता है, नाराज माने क्या होता है? हाँ जिसका कोई राज ना रहे, मतलब कोई रहस्य नहीं बचा, इसका नाम नाराज, अपन नाराज हो ही जा रहा है। प्राश्चित विनय इसमें मैंने प्रवचन किए बात है ना, प्राश्चित विनय भैया वृद्धि सब पे प्रवचन किए, बहुत प्रवचन मेरे इसमें, लेकिन अभी आप शॉर्ट बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझे प्राश्चित क्या चीज है। प्राश्चित जिसे आप समझते हो ना वो एक्चुअली प्राश्चित है ही नहीं। प्राश्चित का मतलब एक गिल्टी कॉन्शियस, खेल खेल होना, दुखी होना, ये प्राश्चित नहीं है। प्राश्चित का मतलब होता है तुम्हें भूला हुआ ध्याय याद आ गया, इसका नाम प्राश्चित है। क्या बोला मैंने? हाँ ध्यान, इसका नाम प्राश्चित है। नियम सारे भी पढ़ना ना प्राश्चित अधिकार में, वो तो लिखा है प्राय प्राश्चित शब्द कैसे बनाए, विसर्ग संधि, प्राय चित्त, प्राय चित्त, चित्त मने क्या है? चित्त मने क्या है? ज्ञान दर्शन वाले चित्त कहते हैं, चित्त शक्ति, ज्ञान दर्शन, चेतना, चेतना उससे बना चित्त, और प्राय प्राय बने प्राय और चित्त प्राय, तो विसर्ग हट गया, प्रायश्चित बन गया उसका संधि होकर। अब लोग क्या, हम तो प्राश्चित कर रहे, इसका मैंने दोपहर में कहा था गाना नाम की गाली देना नहीं है तो निकल गई, तो फिर प्राश्चित कैसे करना? श्री भगवान ने गदा बोल दिया, श्री भगवान गदा बोल दिया, गदा बोल दिया, गदा बोल दिया, ये प्राश्चित है, ये प्राश्चित है। एक गलती को हजार बार रिपीट करते प्राश्चित है, ये हजार टाइम, हजार गुना, हजार टाइम मैंने हजार गुना टाइम और बर्बाद कर दिया तुम्हें। सुनो प्राश्चित है इस वाणी का कर्ता मैंने, मैं मात्र ज्ञाता हूँ, ऐसा अनुभव करने का नाम, देखने का नाम, फील करने का नाम प्राश्चित है। विनय क्या है? विनय सुनो गुरु का आज्ञा में, गुरु आज्ञा के माध्यम से कह रहे, गुरु गुरु की विनय बता नहीं, गुरु की विनय शास्त्र की विनय। तो विनय क्या है बेटे? एक एक बच्चा आलू नहीं खाता था, आलू नहीं खाता था, तो श्री गुरु ने उसे कहा बेटे आलू का त्याग करो, तो वो समझ नहीं पा रहा कैसे त्याग करो, तो पहले मार्केट से एक किलो लाया तो बोले ये क्या किया तुमने? अरे आपने कहा था त्याग करो, मैंने तो आज तक खाया नहीं था, अब त्याग कैसे करूं? खाऊं तो इसे त्याग करूं नहीं कि नहीं, तुम समझे नहीं, बिना ग्रहण के भी त्याग होता है। क्या बोली? बिना ग्रहण के भी त्याग होता है, त्याग करने के लिए ग्रहण करना जरूरी नहीं होता है, पर ये गुरु की विनय है,
एक गुरु की बिना कर कि अब तो उन चीजों ग्रहण मत कर, बस आज का जमाना विकल्प नहीं करेगी। आपने कहा हम विकल्प नहीं कर, ये बिना है सरल भाषा में कहो तो गुरु के द्वारा दी गई देशना के अनुरूप शुद्धात्म में परिणमित होना ये बिना है। इसके ऊपर बहुत विस्तार है, आप पढ़ेंगे अच्छा पढ़िए, बहुत विस्तार से मिलेगा आपको। अरे इस विनय को तो मोक्ष की सहेली कहा है, विनय को मोक्ष की सहेली है, जिसके पास विनय है मोक्ष होना ही उसका। देखो विनय ऐसा नहीं जो केवल पैर छू लिए रोक दे दी, इसका नाम विनय नहीं है। हाँ विनय संपन्न एक भावना है, थोड़े बता दिया कोई बात नहीं, कठिन तो नहीं लग रहा किसी को। चलो आगे चलो, मुझे तो जब कहना था सुंदर है पूरा विश्व सुंदर है, तू सुंदर देख ले इतने समय का समझ है बात बराबर। अब आगे चले तो सर्व संकर की बात चल रही थी, सर्व संकर तो सर्व संकर माने मिक्स हो जाएगा सर, तो सोना पीतल बन जाए तो क्या होगा, तो आप दुखी हो जाओगे। अब चलो ऐसे हीरा कांच में कांच के साथ संपर्क में आया और हीरा कांच बन जाए तो क्या होगा, ये तो बहुत दुखद हो जाएगा ना, पूरा दुखद तो असुंदरता हो जाएगी। सुनो सुनना ध्यान से, सुंदरता बता रहा हूं। एक ग्राम सोना, एक ग्राम का मैं कम से कम दिखाना चाह रहा था इसलिए एक ग्राम सोना और एक कुंटल पीतल दोनों को मिक्स कर दो तो अभी सुंदरता ये है कि एक कुंटल पीतल मिलकर के भी एक ग्राम सोने को पीतल नहीं बना सकता, ये उसकी सुंदरता है, ये उसकी सुंदरता है। नहीं तो मार्केट में आप गहने नहीं खरीद सकते थे, उसमें बट्टा मिलाया जाता है, बट्टा मिलाते हैं लेकिन बट्टा सोना नहीं बन जाता, और सोना बट्टा तो समझते होंगे नहीं, सोना बट्टा नहीं बनता, बट्टा तो समझते मिक्स कर देते तांबा धातु मिक्स कर देते हैं कौन, वो बनता नहीं। समझ में आती की नहीं बात, एक ग्राम सोना एक क्विंटल पीतल या चांदी उसको अपने रूप नहीं कर सकती, ये सुंदर बात है। सुनो इसमें सुंदरता क्या हुई, एक जीव और अनंत बन गया, मैं अनंत कह रहा हूँ असंख्यात भी कह सकता हूँ कि मैं अनंत कह रहा हूँ, एक जीव और अनंत बन गया, हाँ मेरी सुंदरता है अनंत बनकर मिलकर मुझे जीव को बुलकर नहीं बना पाए, सुंदरता थोड़ा और फैलाऊ, अनंत को अगर मिलकर एक जीव को बुलकर नहीं बना पाए। अभी मैं क्या सुना था एग्जाम्पल, वो अजैन लोगों के साथ रहकर के जैन भी अजैन जैसे हो गए, बहुत आचरण में अजैन जैसे हो गए, लेकिन 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 हम दर्शन दे रहे, लेकिन ऐसा यह नहीं हुआ, अनंत पुद्गल मिलकर के भी एक जीव को पुद्गल नहीं बना पाए। अभी सुनने मजे नहीं आया आपको, अभी बोलता हूँ सुनो, तुम्हारा एक भी गुण पुद्गल रूप नहीं हुआ, तुम्हारा एक भी प्रदेश चप्पा चप्पा कहते हैं चप्पा चप्पा, एक भी प्रदेश पुद्गल रूप नहीं हुआ। और सुनो और आनंद के समाचार, तुम्हारा प्रभु तो कम नहीं हुआ, तुम्हारा सर्वज्ञ बनने की शक्ति कम नहीं हुई, तुम्हारा समय दर्शन लेने की शक्ति कम नहीं हुई, और तुम्हारी अनंत प्रभुता की कमी नहीं आई, तुम्हारे सुख की कमी नहीं आई, ये है वो सुंदरता, ये है वो सुंदरता। इसके लिए पंडित साहब की पंक्ति है बहुत अच्छी, मैं गाता हूँ, परे आए हीनता से मुझ में कमी न आई, पर आए हीनता से मुझ में, ये कितनी सच कह रहा हूँ इतना आनंद आया अंदर से, कितनी करोड़ बाजी बजती है भगवान की जन्म पर, उतने करोड़ बाजी बजाओ और नाचो हो निज का शाश्वत वैभव पाया, निज में निज से जान के निज का शाश्वत वैभव पाया, आपा स्वयं पिछान के भूली भूली निज निधि पाई, आज में क्या कह रहे निधि बनाई रिपेयरिंग की ओनली पाई, भूली थी भूली थी, हाँ मैं भगवान था ये भूल गया था, आज खबर पड़ गई मैं भूला था, वो मेरी भूल दूर हो गई। ए भगवान बनने के लिए क्या करना है, भूल दूर करनी है, भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना है आपको,
भूली भूली निज निधि पाई आज मैं जीने जा तुझसी ही प्रभु दाते मुझ में आज स्वयं ही देखागे आज स्वयं ही देखागे है कि है होना ही है है कि मात्र प्रतीति अनुभव चिरता से शिव करना ही होना है चिरता से शिव होना है इसलिए सर्व संकल्प विकल्प मिट गए अब संकल्प विकल्प मिट गए सर्व संकल्प विकल्प रहित हो निज ध्याऊं जिनेन्द्रा भूली भूली निज निधि पाई यह है गजब की बात मैं सच कह रहा हूँ आपको बहुत मजा आना चाहिए अभी मजा नहीं है तो दृष्टा देकर चल रेडी दृष्टा देव क्या बोलो नींद आ रही कोई नींद आ रही बोलो यदि नींद आ रही तो 500 रुपए का इनाम चल नींद आया उसको नींद में पैसे भर के चल रेडी कोई बात अभी दृष्टान देता हूँ क्या नाम मिला तुम्हारा आशीष आशीष डरना नहीं है आशीष ये कौन का हीरा मैं फेंकूंगा तेरे ऊपर और तुझे नहीं लगा तो तेरा लेकिन लेकिन तुम जहाँ खड़े थे ना वहां पीछे गटर थे तो गटर में गिर गया समझ गए दृष्टान एक लोगों का हीरा मैंने फेंक के दिया आशीष को दिया नहीं के मार लेकिन इसने बचा लिया अपने आप को एक परफेक्ट है रात से बच गया एक करोड़ का हीरा शर्त क्या थी यदि लग गया तो मेरे ही है तो नहीं लगा तो तेरा लेकिन वो गिर गया गटर में वो गटर है 4 फुट गहरी और चौड़ी भी है लंबाई तो नहीं तुम कैसे हो और उसमें बहुत गंदा गंदा है बदबूदार तुम क्या करोगे समझ में आए बोलो मेरे से नाराज होगे बहुत गुस्सा होगा मेरे ऊपर मैं तुम्हें निपटा दूंगा बोलोगे ऐसे क्यों बल्कि आप ऐसा कहोगे बहुत बरसा क्या क्या बरसा हो समझ में आगे कोई दर्शन इसे गुस्सा क्यों यार मैं तो इसमें गुस्सा होकर मारता हूँ मैं इसे गुस्सा होकर मार रहा हूँ एक करोड़ का हीरा और नहीं छुआ इसको नहीं टच हुआ ना तो इसी का हो गया लेकिन गिर गया गटर में तो तुम चलिए बोलो शांति रहेगी कि अशांति आएगी बोलो बोलो डरो मत शांति शांति फिर हीरा निकालोगे कि छोड़ जाओगे तो मेरा तो है ही नहीं अब तो तुम्हारा हो गया तुम आप बोलो तुम्हें क्या करना निकालना है कि छोड़ना है चलिए बोल हाँ अच्छा निकालोगे पक्का है तो डरो मत भाई अब लेकिन तुमने 25,000 रुपए का सूट पहना हुआ है नरेंद्र मोदी ने भेंट किया एक एक लाख बना उसमें नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है वो वाला सूट पहना देने छोड़ता है क्योंकि आज वही सगाई हुई है अब मेरा प्रश्न तो तुम हीरा पहले तो सबसे पहले जैसे हीरा जाएगा हीरे के साथ साथ आपकी नजर भी जाएगी और गटर में वो गिरा पॉइंट आप वही देखोगे कि मुझे देखोगे वहां देखोगे कि मुझे लड़ोगे वहां देखोगे मुझे गालियां दोगे वहां देखोगे मेरे पीछे भागोगे अच्छा अच्छा इतना काम तो नहीं करोगे इसका नाम है परम शांति ओ जिसे हीरे की वैल्यू मालूम है सुंदरता मालूम है इसे हीरे की सुंदरता मालूम है भले ही गटर में गिरा है लेकिन हीरे का कुछ भी नहीं बिगड़ा ना वजन कम हुआ ना वैल्यू कम हुई ना चमक कम हुई चमक कम नहीं हुई मात्र धूल गंदगी मात्र क्या हो गया आवरण मात्र क्या हुआ आवरण गटर की गंदगी का आवरण आया है बराबर ना इसी इसी सुंदरता के बल पर समय दृष्टि यदि उसकी जगह में रसगुल्ला फेंक के मार सकता हूँ वो गटर में गिर जाता तुमने तो अपने आप को बचा ही दिया मुंह में तो ले नहीं पाए डायरेक्ट अब वो गटर में गिर गया तुम्हें क्या करोगे तुम
आई कांट टच। जब सब संकर होता है ना तो सुंदरता खत्म हो जाती है। जी गटर में रसगुल्ला और रसगुल्ले की चाशनी हो नीचे क्या गटर की चाशनी गटर की चाशनी एंटर हो गई उसमें, एक तरफ दूसरे में एंटर हो गया तो असुंदर हो गया, वो असुंदर हो गया। तब अब बताओ वो रसगुल्ला उठाओ कि नहीं उठाओ, कितने रुपए का था रसगुल्ला? मान लो मिनिमम 10 रुपए का तो था ही। क्या करो सोचो, ऊपर ऊपर दिख रहा है गटर में, वो तो अंदर चला गया हीरा, हीरा अंदर चला गया और रसगुल्ला ऊपर ऊपर है। बोल बेटे सुनो क्या करो, बोलो ना क्या करो। देखो जब ये सुंदरता खत्म हो गई, ये फोन से मिले आपको दो द्रव्य मिल जाते हैं ना तो ऐसे सुंदरता खत्म हो जाती है, तो रसगुल्ले की बरस कोई उठाता भी नहीं। लेकिन मैं आपको सलाह दूं ना कि धो लेना। देखो सब हंस रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर हटा दे, उसमें क्या है अंदर अंदर धो के खा ली। अरे ऐसे आंटी पकड़ के खा ली जैसे, ऐसा समझ ले रहे मन रसगुल्ला अंत कच्चे भी और हीरा। अब हीरा हीरा के लिए क्या कर रहा, आगे चलो थोड़ी सी कहानी अभी तेरे कूदना पड़ेगा उसी में, चार छपोट बहनी हो छोड़ना तुझे है नहीं हीरा। पंडित जी दुनिया की परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, और उतर जाएंगे 25,000 सूट तो पैसे जाएगा और फिर क्या है धुल जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप देखो देखो सुंदरता सुंदरता दिखा रहा हो, हीरा गटर में कब तक पड़ा रहेगा, सुंदर नहीं असुंदर होगा, क्यों नहीं असुंदर होगा, क्योंकि वहां एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश करता है नहीं, फॉरेन मैटर कांट एंटर। ओके आप उतर भी गए, आपको गिलानी नहीं आ रही, निर्विचिकित्सा आपको कोई गिलानी, निशंक सम्य दृष्टि, निशंकता आ गई नहीं, हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा। अब हंसी उड़ाई सब तो क्या करोगे, हंसी उड़ा रहे तो पंडित जी बाद में यही सब कहेंगे ओ बेस्ट ऑफ दैट, उड़ा दे मत उड़ा दे तो हम थोड़ा पूर्ण का दर्शन देखते हैं। अब यहाँ तक तो तेरे को पूरे के चार फुट यहाँ तक हो जाएंगे ना, चार फुट और हाथ डालना पड़ेगा, चुभना ही पड़ेगा, तो नाक से एक बार दूरी लगी बस गटर की गंदगी की, तो तू नाक बंद करेगा या हीरा में फोकस करेगा। पंडित जी ये सब बात का मामला है पहले हीरा, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे भगवान आत्मा सुंदर है और नव द्वार भरे गर्दानी में पड़ा हुआ है, एक बार इस हीरा को सर्च आउट करो, एक बार इसको डिस्कवर कर लो, एक बार खोजो। आपको सच कहता हूँ अब विनय वैभवती वात्सल्य प्राश्चर्य जो जो है वो सब आ जाएंगे, ये नहीं छूटेगा, दुनिया की परवाह नहीं करोगे फिर आप। अभी जैसा लगता है लोग क्या कहेंगे, तू छना पानी पीता है, तू पंडित है? नहीं नहीं मैं पंडित नहीं हूँ, पापी हूँ, जस्ट लाइक सेम टू यू। अभी ऐसा लगता है आपके लोग, तब नहीं लगता है हीरा निकालना, नहीं सारी दुनिया हंसी करो तो करो, ऐसे यहाँ पे समझना सुंदरता का मतलब समझ गया, हीरा गटर में गिरने पर भी सुंदर है, ऐसे भगवान आत्मा कौन भगवान आत्मा वो राग देश में लिप्त होता हुआ दिखाई देने पर भी, कब से दिखता है अनादिकाल से लिप्त होने पर भी मैं सुंदर हूँ, उसका कोई बिगड़ा नहीं, अपने आप से घृणा करने लायक नहीं है। निर्विचिकित्सा अंग समझते हो, निर्विचिकित्सा अंग नाम सुना हुआ, निर्विचिकित्सा अंग नाम सुना है, निर्विचिकित्सा मैंने गिलानी नहीं करना, मैं इसका अर्थ करता हूँ। आपने बाहर का ज्यादा सुना हुआ, कोई मलिन हो मैला हो कोई साधु हो गंदे हो अंगंदे ने, अब लोग बाहर से शरीर में तो उसे गिलानी नहीं करना, लेकिन निश्चय क्या निश्चय पता है, मोहराज देश के कान में भी भगवान आत्मा से गिलानी नहीं करना, ये मेरे पीछे किस्सा क्या कहा है, मोहराज देश के कान में भी शुद्ध आत्मा से अपने परमात्मा से गिलानी नहीं करना, इसका नाम खरे खर मेरे चिकित्सा है। दृष्टांत दे दू जाते जाते टाइम हो गया, मेरे चिकित्सा का दृष्टांत दे दू,
टाइम बहुत जल्दी भागता है, मैंने तो पता ही नहीं लगे। चलो एक दृष्टांत देता हूँ। एक प्यारा सा बच्चा है, इतना सा बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा स्वीट, क्या बोलते हैं, गोरा है, सुंदर है, बड़ा प्यारा है, एकदम बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, सुंदर बच्चे और खराब बच्चे, खराब काले बच्चों में फर्क नहीं पड़ता। तो मम्मी मंदिर गई तो बच्चे को सोता हुआ छोड़ गई थी, तो सोता सोता जग गया वो। अब तो मम्मी तो थी नहीं, तो उसने चू नंबर कर ली, नंबर तो समझती होंगे सबको, उसे पॉटी कर ली। पॉटी करने के बाद वो खेल खिला रहा, फिर उसी में उल्टियां कर ली उसने, एक्सरसाइज की उलट पुलट ऐसे ऐसे, उसके हाथ में वो मटेरियल भी आ गया, ऐसे ऐसे कर लिया, सब कर दिया। जब मम्मी आई थी मम्मी को देख कर, अब ध्यान से सुनना, मेरी चिकित्सा बोलो, इतना मारवाड़ी तो आप समझते हैं, मारवाड़ी अभी समझेंगे तो कौन समझेगा। इंदौर में मैंने सुनी है, मैं बोलता हूँ, पता नहीं गलत हो तो सही कर दे, कैसा सूला है, ऐसे बोलते नहीं, कैसा सूला बच्चा है, एक मिनट के लिए था। लेकिन अब बताओ, निर्मित चिकित्सा में यहाँ मलिन पदार्थ से गिलानी करना या मलिन पदार्थ से लिपटे हुए बच्चे से गिलानी करना, ये क्वेश्चन है। बोलो भाई क्या करोगे, दोनों से गिलानी नहीं करोगे, ऐसे रहने दोगे उसे, समझ तो गई सर। अब इसमें उत्तर में थोड़ा अंतर है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में बहुत फर्क पड़ता है। मिथ्या दृष्टि माने ननन, समझ लो अपने ननन तो भी वो मिथ्या दृष्टि की तरह, आई कांट टच, हर्ष टच तो छोड़, कांट सी, लेकिन मम्मी तो मम्मी होती है, सम्यक दृष्टि होती हो। तो अपने बच्चे को सर, अब देखो गजब, अपने कपड़ों पे ऐसे नहीं लिपटा लेती उसको, ऐसे नहीं पकड़ती, तो ऐसे ही ऐसे पकड़े तो पानी डाला। हमारे थोड़ी परंपरा वैसी है, बच्चे की लैट्रिन को छूते नहीं होते, क्योंकि शुद्ध कपड़े हैं ना, नहाए धोए, रोटी बनानी है, रसोई करनी, तो छूते नहीं। तो एक मोगरी उठाई, मोगरिया मोगरिया समझ, लकड़ी की कूटने वाली कपड़े धोने पूरे स्नान लाएगा ना, तो फिर उसको अच्छे से निदान कर दे और फिर उसको गले लगाए। मैंने क्या कहा इसमें, मलिन पदार्थ सिर्फ गिलानी की है उसने, और मलिन पदार्थ में लिपटे हुए बच्चे से गिलानी नहीं की, ऐसी भगवान आत्मा से गिलानी नहीं की। मोहराग देश हमें भी पसंद नहीं, पॉइंट पकड़ गए, मोहराग देश हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन मोहराग देश के कार में भी भगवान आत्मा से गिलानी नहीं है। हम मोहराग देश दूर करेंगे मल की तरह, लेकिन भगवान आत्मा दूर नहीं करें। समझ में आया कुछ, मेरी इच्छा है यूनिवर्सिटी पे लेक्चर दूंगी, आर्ट था और सिखाना इसमें आर्ट ऑफ लिविंग, स्ट्रेस फ्री लाइफ, मेरे दिमाग यही घूमता रहता है। अब क्या चलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग लगभग दिमाग में ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि सुखी होने के मंत्र ही सारे सारे। आज हम क्या करते हैं, आप एक डायलॉग सुना और लोग में फेमस है, पाप से घृणा करो, पाप से घृणा नहीं कर, लेकिन हम लोग जनरली ऐसे बोलेंगे तो तुम सेपरेट हो जाओ, नहीं रह सकते तो सेपरेट हो जाओ, बहु अच्छी नहीं तो अलग हो जाओ, सास ठीक नहीं अलग हो जाओ, ये गलत तरीका है। आप हाथ का रोग दूर करो, हाथ को मत काटो, परिवार एक परिवार एक शरीर की तरह है, इसका कोई मेंबर रोग मिटाने लायक है, मलिनता दूर करने लायक है, विकार दूर करने लायक है, लेकिन परिवार का कोई भी मेंबर काटने लायक नहीं। और हम तो सच कहते हैं, आज मैंने वहां पर थोड़ा थोड़ा इशारा किया, इधर भी मैं कह रहा हूँ, जो बच्ची ये सोचती है कि सास ससुर से हम अलग करके रहेंगे अपने हस्बैंड को, और वो सोचती है कि हस्बैंड हमारे सास ससुर की बुराई करेंगे, उनकी मम्मी पापा की बुराई करें,
कि इससे बड़ी दुनिया में कोई गंदी चीज नहीं हो सकती। इसके लिए आप कथमालियों पढ़ो, कथमालियों पढ़ा होगा आप लोगों ने, नाम केवल बता रहा हूं। रुक्मणी को प्रद्युम्न का वियोग क्यों हुआ था? रुक्मणी को प्रद्युम्न समझ लिए, कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, और रुक्मणी का बेटा हुआ था पहले नंबर का बेटा प्रद्युम्न, तो उसका वियोग क्यों हुआ था? कि उसने पहले माँ बेटे का विरह कराया था, हंस हंसनी का जोड़ा माँ बेटे का विरह कराया था खेल खेल में, उसका एक प्रद्युम्न में लिखी है। अंजना को पति का वियोग क्यों हुआ? क्योंकि उसने अनादर किया था प्रतिमा आदि का, अथवा वो दोष लगाया था सील का, इसको सील का दोष क्यों लगा? ये पढ़ना प्रतिमा नहीं होगी। जो लड़की पहले से सोच रही है कि मैं मेरा पति वही होगा जो मम्मी पापा से दूर रहेगा, मैंने आप अभी से ऐसा कर्म बांध रहे हो कि माँ और बेटे का विरह करा करके आप सुखी रह सकते हो? नेवर, कभी नहीं रह सकते। आप पूरा उठा लो, पूरा पूरा वर्ल्ड वेस्टर्न कल्चर पढ़ लो, आपको जहाँ पढ़ना है पढ़ लो, सुनो एक दिन आपको भी यही कष्ट होना पड़ेगा। यदि आपको अपना बच्चा पालने में कष्ट होता तो आपकी सास के बारे में सोचो, उन्हें भी कष्ट उठा करके बच्चे को पालना होगा। तो इतनी प्यारी भाषा लिखी है, इसे सुना के मैं बंद करता हूँ। एक बहुत सुंदर पुस्तक, 150 साल पुरानी पुस्तक है, नाम है उसका बनिता बोधनी, बनिता माने महिलाओं के लिए, बनिता बोधनी माने बनिता, स्त्रियों को समझाने के लिए। उसने एक बहुत बढ़िया डायलॉग लिखा, मुझे बहुत पसंद आता है वो। बहुओं को कहकर के लिखा था, बेटा तुम्हें अपना पति अच्छा लगता है कि नहीं, तुम अपने पति से संतुष्ट हो या नहीं, उसके टैलेंट, उसका स्वास्थ्य, उसका सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, सब्सक्रिप्शन नहीं करना, ये सारे गुणों से, उसके कमाने के टैलेंट से तुम खुश हो या नहीं हो? तो हाँ, सेटिस्फाइड है। तो फिर उसने उसके बाद लिखी है बात, यदि तुम अपने पति से संतुष्ट हो तो इसका अनंत उपकार तुम्हारी सास का है, तुम्हारे ससुर का है। उन्होंने एक एक दिन टोक टोक करके, रोक रोक करके पढ़ाया, एक एक दिन ऐसे ऐसे करके कमाना सिखाया है, गाली देना बंद करवाया है, नहीं गाली नहीं देना, कुसंगति से सुनाया है, 24 घंटे निगरानी रखी है, आपको 25 साल बाद 22 साल बाद एक मेहनत का पका हुआ फल मिला है, जिसके लिए तुमने जितना 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 उपकार मानो अपने सास ससुर का उतना कम है। सज्जन तो कृतज्ञ नहीं होते, कृतज्ञ ज्ञापन किए बिना आप मनुष्य नहीं कहला सकते। मैं इतनी प्यारी भाषा लिखी हो, सोचो जब बिराई करा हो तो तुम्हें बिराई का फल आएगा, पक्की बात है। कौन सी बात? अब इधर सोचो, त्रिमणि माता आपको आपसे मिला रही है, क्या कह रहे हैं हम? त्रिमणि माता आपको आपसे मिला रही है, अपना बिराई मत करो। इस बिराई का फल है केवल ज्ञान का अभाव, समय दर्शन ज्ञान चाहिए का अभाव ना भाई। जब चलते चलते बोलो, मोहला देश अच्छा है कि बुरा है? इसलिए आत्मा भी बुरा है, हाँ अपन बुरे नहीं है। ये मिलना हो गया अपने से, अपने से मिलना हो गया। दोष को दूर करना, कभी दोषी को दूर नहीं करना। ओम नमः शिवाय।